हम जानते हैं कि एक्सिस की रोटेशन कैसी होती है यानी जो ओरिजिनल एक्सिस है एक किसके इक्वल होता है कैपिटल एक्स कैपिटल एक्सिस यानी न्यू एक्सिस जमा एच यानी एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस चेंज होगा चूँकि ओरिजिन यानी ट्रांसलेशन का मतलब हम चूंकि पहले पढ़ के आ चुके हैं ट्रांसलेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर सेंटर यहाँ पे था तो अब सेंटर अगर आप यहाँ पे लेके आएंगे तो सेंटर एच एक्स एक्सिस के लॉन्ग एच डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल करता है ठीक है तो जो न्यू एक्सिस आते हैं आपके न्यू एक्सिस आते हैं उसको आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस कहते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस इसका मतलब है जो जो स्मॉल एक्स एक्सिस है वो किसके इक्वल होता है कैपिटल एक्स जमा एच यानी ये वाली लेंथ जो भी लेंथ होगी फर्ज करें कैपिटल एक्स यहाँ तक हुआ था कोई पॉइंट ठीक है यहाँ तक है तो ये वाली लेंथ जो कैपिटल एक्स है

ने, हमारे पास जो एक्सेस आ रहे हैं उसके मुताबिक ये इक्वेशन क्या शेप जो है वो बनाती है क्या शेप अटेन करती है ठीक है अब देखिए जो हमने बात की जो हमारे पास माइनस टू और फोर पे हमने इसको मूव करना है माइनस टू पे और फोर पे इसका मतलब है स्मॉल एक्स जो है वो किसके इक्वल इसका मतलब ये एच है और ये के है तो अब हमारे पास स्मॉल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा स्मॉल देयरफॉर देयरफॉर स्मॉल एक्स कलर चेंज कर लेते हैं स्मॉल एक्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल और प्लस ए चूंकि माइनस है तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्स माइनस टू ठीक है इस तरह स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस फोर के कितना है फोर अब अगर आप इसको एक्स की जगह ये पुट कर दें ठीक है दिस इज नंबर वन और जगह इक्वेशन वन पुट करेंट करें जगह एक्स माइनस टू पुट करें वाई की जगह फोर पुट करें तो आपके पास इक्वेशन आ इक्वेशन आ जाएगी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ठीक है नए एक्सिस के मुताबिक तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास यही फाइनल आंसर होगा तो देखिए स्मॉल किसके इक्वल है उसके बाद है माइनस वाई कैपिटल वाई प्लस फोर होल स्क्वेयर प्लस फोर इंटू कैप एक्स कितना है कैपिटल एक्स माइनस टू और प्लस एट इंटू वाई कितना है कैपिटल वाई प्लस फोर माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये देखिए ये बन जाता है कैपिटल एक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस फोर टू जार टू टू जार फोर एक्स यानी ए स्क्वेयर ये बन जाएगा ए स्क्यर चूँकि देखें ए माइनस बी होल स्क्वायर में ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी इसी तरह से यहाँ पे माइनस उसको ब्रैकेट में ओपन करेंगे चूंकि बाहर नेगेटिव है तो बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन और प्लस टू ए बी जो कि बनता है प्लस एट वाई प्लस एट कैपिटल वाई ठीक है और ये बन जाएगा फोर कैपिटल एक्स माइनस एट और ये बन जाएगा प्लस एट कैपिटल वाई प्लस थर्टी टू प्लस थर्टी टू माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा इक्वेशन में कैपिटल एक्स स्क् कैपिटल एक्स स्क्र प्लस फोर माइनस फोर एक्स पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वाई स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन माइनस एट वाई प्लस फोर एक्स माइनस एट प्लस एट वाई प्लस थर्टी टू माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो अब जो चीज़ कैंसिल हो सकती है उसको हम कैंसिल कर देंगे जैसे देखिए माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स से कैंसिल माइनस एट वाई प्लस एट वाई से कैंसिल बन जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वेयर कैपिटल एक्स स्क्र माइनस कैपिटल वाई स्क्वेयर उसके बाद देखें प्लस फोर माइनस सिक्सटीन माइनस एट माइनस सिक्सटीन माइनस एट कितना बनता है माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर कितना बनता है माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस इलेवन माइनस थर्टी वन तो थर्टी वन थर्टी टू माइनस थर्टी वन कितना हो जाएगा वन तो प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब है ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेजन ये, ये उसकी इक्वेजन आ गई विद न्यू एक्सिस उसको बोलूँगा जी दिस इज Transformed equation, transformed equation.